मैं प्राइम मिनिस्टर और आप जनता। आपको याद है आज से 11 साल पहले महंगाई पर मोदी जी भाषण दे रहे थे दिल्ली में। महंगाई कहां से कहां है? एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। यू न्यू व्हाट अ बिग फैन आई वाज ऑफ मोदी जी। महंगाई बढ़े और वो भी किसान से बढ़े। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा नहीं है। ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उसी दिन को आज रिप्ले करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, आपको सिर्फ जनता की तरह सवाल करने हैं और मैं प्राइम मिनिस्टर की एक्टिंग करूंगा, ठीक है? शिद्दत से करना मोदी जी, मेरे पास एक ही चांस है। एक्शन। सरकार महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार कुछ करिए। सरकार कह दिया ना, सब कांग्रेस की गलती है। जब मैं सत्ता में वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने यात्रा शुरू कर दी। अब से मैं देश को संभालूंगा। हर बार देश आपके वादों पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं व्यापारियों से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूं। रहने दो सर, बुरी तरह हार गई बीजेपी। जिसने भी इस देश को व्यापारियों के हाथ बेचा, मैं वादा करता हूं एक दिन सब कुछ जनता के सामने लेकर आऊंगा। सवाल पूछते हैं। राहुल जी, हमें बात समझ नहीं आती। हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति लाखों करोड़ रुपए कर्जा लेते हैं और फिर हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो जाता है। हमने क्या गलती? हम 50,000 रुपए का कर्जा लेते हैं, 1,00,000 रुपए का कर्जा लेते हैं, हमारा कर्जा कभी माफ के लिए? आज के बाद अगर अदानी का कर्जा माफ हुआ, भक्तों की जला दूंगा मोदी। रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, कब से रिश्ता है? पोर्ट की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, हम साथ में चल रहे हैं ना, पूछो किसने बनाई अदानी जी? अदानी 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 मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा सपना। बेटे बेटी आप नीचे आओ, बेटा बेटा नीचे आओ।